और अगर मैं कहूं कि ये घर कल ही आपके नाम हो जाएगा तो? मैं चाहता हूं आप आयशा से पूछ के मुझे बताएं इसमें मेरा नाम है। हमारे यहां रिश्ते माएं तय करती हैं। नहीं आप आयशा के बॉस हैं। आयशा जिस कंपनी में काम करती है वो आपकी है? आप उनकी मदर हैं जी। सोया जाओ अच्छी सी चाय बना कर। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। नहीं नहीं बाप, आप बैठे बैठे प्लीज। जी सब खैरियत है ना? आप इस तरह से अचानक? जी दरअसल आयशा नौकरी छोड़ रही है। नहीं, आयशा ऐसा नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जी गलती तो हुई है। अगर आयशा से कोई गलती हो गई है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप उसे नौकरी से ना निकालिए। नहीं आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए बहुत बहुत मुश्किल से हमारे घर के हालात संभले। अगर आयशा को नौकरी से आपने निकाल दिया तो? नहीं, उसे नौकरी से कोई नहीं निकाल रहा। आप परेशान मत हो, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। एक्चुअली कल ऑफिस में आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ कि मुझे आयशा से शादी करनी है तो आप क्या कहेंगे? इसीलिए आयशा को साथ नहीं लाए? नहीं, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट वो ये भी नहीं जानती कि मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ। मैं आयशा से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो। यह आपकी पसंद का मामला है, पर आयशा किसी और को पसंद करती है। मेरा मतलब है आपकी जगह आयशा की पसंद अगर कोई और होता तो मुझे एतराज होता, लेकिन मैं आयशा की शादी नहीं कर सकती। क्यों? खुदा ने आपको इस कदर नवाजा है, आप जिस चीज पर हाथ रखें वो आपकी हो जाए, आपको किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन हमारा ये घर आयशा की नौकरी से चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो इसकी फिक्र मत करें, इस घर का खर्चा मेरी जिम्मेदारी है। इस घर से आयशा रुखसत होकर चली गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, ये घर भी हमारा अपना नहीं है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, घर का बंदोबस्त भी हो जाएगा। घर में रहने वालों के हजार खर्चे होते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपकी माली मदद करने को भी तैयार हूँ। हमें माली मदद नहीं चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं, सफेद पोश हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। और बातों का क्या है, बातें तो हर कोई कर लेता है। और अगर मैं कहूँ कि ये घर कल ही आपके नाम हो जाएगा तो? मैं चाहता हूँ आप आयशा से पूछ के मुझे बताएं इसमें मेरा नाम है। हमारे यहाँ रिश्ते माएं तय करती हैं। नहीं मैं चाहता हूँ पहले आप आयशा से बात करके मुझे बताएं कि उसकी क्या मर्जी है। Assalamu alaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.